वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 12.2 क्लास 7 की, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नांकित चित्र में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया तो है, लेकिन यहाँ पर भार दिया है, जो भार का आयत है 60 मीटर और 40 मीटर, यानी आमने सामने की भुजा समान हो जाएंगी। और हमें यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है 6 मीटर का, यहाँ पर गैप है, लेकिन जो लंबाई चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करना है, जो अंदर आयत है ये बना हुआ है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मैंने डायग्राम बना लिया अपने अनुसार, वो तो मैं आपको बता ही दिया है किताब में। तो इतना गैप दिया है ये अंदर का, 6 गैप है ये, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे अंदर वाले आयत आयत की लंबाई, लंबाई निकालेंगे तो जो बाहर का आयत है उसमें से हम माइनस कर देंगे, ये होती है लंबाई, लंबाई है ना। तो जो 60 है ना, ये इसमें से माइनस कर देंगे इस वाले को, तो हमारा अंदर वाला निकल कर आ जाएगा लंबाई, है ना, जो अंदर की होगी। तो 6 है ये, और ये भी 6 है, गैप है ना जो, तो ये तो माइनस होगा, 6 प्लस का 6, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 60 हो गया माइनस 12, 6 6 12, 60 में से 12 माइनस कर देंगे तो 48 मीटर। ये हमने निकाल लिया अंदर वाले आयत की लंबाई। अब निकालते हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई भी ऐसी निकल कर आ जाएगी, यही लाइन लिखेंगे अंदर वाले आयत की चौड़ाई बराबर, अभी हमने 60 लिखा, अब 40 लिख लेते हैं, 40 माइनस 6 प्लस का 6, तो 40 माइनस 6 6 12, 40 में से 12 माइनस कर देते हैं तो 28 मीटर। तो हमने क्या निकाला, चौड़ाई निकाली और लंबाई निकाली, चौड़ाई बराबर 28 मीटर, लंबाई बराबर 48 मीटर, यही आ गया है आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल था। चलिए अब करते हैं दूसरा। दूसरा है ये निम्नलिखित निम्नांकित चित्र में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें उल्टा है उसका, अंदर का निकाला था हमने पहले में, अब इसका अंदर में दिया और बाहर का, तो जो हम माइनस कर रहे थे अब बल्कि प्लस करेंगे। दूसरे के लिए भी हमने बना लिया ये डायग्राम। तो अभी हम अंदर वाला लिख रहे थे, अब इसमें बाहर निकालना है तो लिख देते हैं बाहर वाले आयत की लंबाई बराबर 50, ये ना 50, और ऐसे में 30 है, और ये गैप दिया है 6 मीटर, तो 50 प्लस कर देंगे, उसमें माइनस किया था 6 प्लस 6, तो 50 प्लस 12, तो ये हो गया 62 मीटर, बाहर वाला निकल के आ गया, लंबाई निकाल ली, लाइन यही लिखेंगे बाहर वाले आयत की चौड़ाई बराबर 30 है, 30 प्लस 6 प्लस 6, 30 प्लस 12, तो 30 40 हो ये 42 मीटर। तो अब लिख देते हैं लंबाई निकाल लिया है 62 मीटर, और चौड़ाई बराबर में 42 मीटर, हो गया। चलिए करते हैं अब तीसरा वाला। तीसरा है नीचे दिए चित्र में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर है, ये जो छायांकित भाग दिख रहा है रंगीन, वही बड़े आयत छोटे आयत और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसी से संबंधित दिए हुए हैं यहाँ पर ये खाली स्थान ए बी सी,
ये पढ़ लेते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है ना, छोटे आयत का क्षेत्रफल तो वो लिख देना होगा, छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। तो टोटली हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस भाग का। तीसरा लिखेंगे बड़े वाले आयत की लंबाई, लंबाई चौड़ाई तो दी है 40 मीटर, बड़े वाले आयत की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब जैसे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात है मालूम है, वही हम लगा देंगे सूत्र, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 40 गुणे चौड़ाई 20, गुणा कर देंगे तो 800 मीटर। तो ये हमने बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। छोटे वाले आयत की लंबाई बराबर में 40, 40 क्या है बड़े का है, तो बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देते हैं, सिंपल है। जो छोटा वाला जो आयत है उसकी लंबाई नहीं दी है, तो जो हम कैसे निकालते हैं लंबाई, छोटे वाले यानी जो अंदर वाला है और जो बाहर वाला है, जो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो छोटा वाला जैसे हमें निकालना है, तो बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देते हैं, तो दिया तो है नहीं ना, तो यहाँ पर जो 6 था ना गैप, वही हम कर देंगे, 6 + 6 है ना भाई, तो 40 ये 12 हो गया, माइनस कर देंगे तो 28 आ गया, 28 मीटर। ये हमने ना लंबाई निकाल ली। अब यही लाइन लिख देंगे फिर से, छोटे वाले आयत की चौड़ाई बराबर 20 माइनस का 6 + 6, तो 20 - 12 हो गया, ये बराबर में आ जाएगा 8 मीटर। ये हमने निकाल लिया चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें हमने निकाल लिया 28 गुणे चौड़ाई निकाल लिया 8, 28 का 8 में गुणा कर देंगे 224 मीटर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देंगे, जो बड़े आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला उसी में से हम छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा रास्ते का आयत, रास्ते का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े का हमने निकाला, बड़े का 800 माइनस 224 मीटर, 800 में से 224 को माइनस कर देंगे 576 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया। चौथा देखिए आप क्वेश्चन, एक हॉल की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, इसकी फर्श में दीवारों के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन लिखेंगे संगमरमर सहित कमरे की
लंबाई बराबर 40 मीटर है। संगमरमर सहित कमरे की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो सिंपल है, गुणा कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 40 गुणे 16 तो ये आ जाएगा 640 मीटर। लिखेंगे संगमरमर सहित कमरे की लंबाई। एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये लाइन हमने सही लिखी, यहाँ पर हॉल लिखना था, हॉल की लंबाई, बस ये काट देना होगा, बस बाकी लाइन वही हो जाएगी। हॉल की चौड़ाई, हॉल का क्षेत्रफल, तो ये हमने निकाल लिया हॉल का क्षेत्रफल 640 मीटर। अब निकालना है हम संगमरमर सहित कमरे की लंबाई। तो 40 माइनस का 4 प्लस का 4, 40 माइनस 8 तो ये आ गया 32 मीटर। 32 मीटर आ गया संगमरमर कमरे की लंबाई। लंबाई तो हमने निकाल ली है, चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। संगमरमर सहित कमरे की चौड़ाई बराबर 16 माइनस 4 प्लस 4 तो 16 और यहाँ पर 8, 8 और 8 16 होता है, तो 8 मीटर ये हमने निकाल लिया चौड़ाई। अगर हम ऐसी का क्षेत्रफल निकालना होगा, लाइन यही आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें 32, चौड़ाई 8, 32 का 8 में हम गुणा कर देंगे 256 मीटर। अब तो ये हमने निकाल लिया संगमरमर की भी क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब है ना। तो अब हमें निकालना है संगमरमर में लगे फर्श का क्षेत्रफल। लिखेंगे संगमरमर लगे लगे फर्श का क्षेत्रफल। तो ये हमने क्षेत्रफल इसीलिए निकाला क्योंकि हमें माइनस करना है ना, तो 640 में से हम माइनस कर देंगे 256 को, तो इससे हमारा संगमरमर का निकल के आ गया जो फर्श लगा था ना, तो आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, है ना। यही आ गया है आंसर, ये हमें ज्ञात करना था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 100 सेमी चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 102 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 क्वेश्चन लिखा है वर्गाकार, इसमें वर्गाकार की बात हो रही है, तो वर्गाकार के जो सूत्र होता है वही लगेगा इसमें। वर्गाकार बगीचे के चारों ओर मार्ग की लंबाई बराबर 102 मीटर। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन ऐड कर देंगे क्योंकि जो 102 है वो
बगीचे से कहते हैं, बगीचे सहित। तो हमने क्या लिखा, वर्गाकार बगीचे के चारों ओर मार्ग अथवा मार्गवा बगीचे सहित की लंबाई 102 मीटर है ना। तो यही लाइन लिख देंगे, बराबर बगीचे के चारों ओर मार्ग की लंबाई। अब केवल मार्ग की लंबाई ये बगीचे सहित है 102, और केवल मार्ग की लंबाई है 100 मीटर। 100 मीटर नहीं है शायद, 100 सेमी है, सही समझे हम, 100 सेमी है। तो बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे मार्ग सहित बगीचे की लंबाई बराबर 102 माइनस 1 प्लस का 1। यहाँ पर जो 1 आया था ना, ये मार्ग की लंबाई, तो इसको हमने 1 प्लस 1 कर दिया, और ये 102 है, कौन से, बगीचे सहित और मार्ग दोनों का 102। तो 102 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 2, 1 1 2 हो गया, तो बराबर में 100 मीटर आ गया। ओके, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचा कैसा है, वर्गाकार, तो क्या होता है सूत्र, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा हमने निकाल ली, कितना आया, 100, तो 100 गुणे 100 कर देंगे तो 10,000 वर्ग मीटर, यही आ गया है आंसर। बगीचे का क्षेत्रफल निकालना था। अब 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है निम्न नामांकित चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है आयत, ये बी वाला जो है आयत है, और ये वर्ग है यानी वर्गाकार। क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर, ये जो छायांकित भाग है रंगीन वाला दिख रहा है जो लाइन खींची हुई है। चलिए करते हैं 6 का ए वाला, ए वाला यानी जो वर्गाकार है। लिखेंगे लंबाई में छायांकित भाग की, छायांकित भाग की लंबाई, ये काट देते हैं लंबाई, लाइन अच्छी नहीं बन रही है। फिर छायांकित भाग की लंबाई बराबर में 150 मीटर, फिर छायांकित भाग की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लाइन लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें है 150 गुणे चौड़ाई 15। अब 150 का 15 में गुणा कर देंगे तो 2250 आ गया। ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग की लंबाई बराबर 120 मीटर। दो छायांकित भाग है ना इस प्रकार से प्लस टाइम में, है ना। तो ये हो गया छायांकित भाग की लंबाई बराबर 120 मीटर।
और छायांकित भाग की चौड़ाई बराबर 15 मीटर, यही लाइन लिख देंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका भी। तो क्षेत्रफल निकाल दें, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 120 गुणे चौड़ाई 15, तो 120 में गुणा मतलब 120 का गुणा कर देंगे 15 में, तो ये आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। अब तो अब हमें जो वर्गाकार है उसका भी कुल क्षेत्रफल निकाल, जो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल है उनको केवल हमें प्लस करना होगा, लेकिन जो वर्गाकार है उसके चौराहे की जो लंबाई है वो दी हुई है, वर्गाकार चौराहे की लंबाई, इसको माइनस करना होगा, इसलिए मैं ये वाला निकाल रहा हूँ। तो 15 मीटर ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, तो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 15 गुणे 15 कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 225। 15 का वर्गमूल क्या होता है, 225 मीटर स्क्वायर, है ना, देख लीजिए। ये आपके माइंड में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा, यहाँ पर हमने लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने भुजा गुणे भुजा लिख दिया, कहने को तो ये वो था, क्या था, वर्गाकार, है ना, उस वाला सूत्र वो वाला की सूत्र क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो जो छायांकित भाग है ना वो आयत है, और जो हमने निकाला यहाँ पर वर्गा चौराहे की लंबाई ये था ना, जो पूरा टोटल छायांकित और वो प्लस कर कर, अब केवल हम इनको छायांकित वाले जो भाग है उनको जोड़ देंगे, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले हमने निकाला 2250 प्लस, फिर निकाला 1800, अब इसको माइनस कर देंगे 225, तो 40 50 40 50, और ये माइनस का 250, इन दोनों को प्लस कर दिया, अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 38 ये 25 मीटर, देख लीजिए आंसर आ गया। लेकिन हमारा ए वाला भी हमने सॉल्व किया, अभी बी वाला बाकी है, चलिए अब करते हैं बी वाला। बी वाले में तो बाहर भी वो आयत है, जो अंदर है वो वर्गाकार है, मतलब कि जो ए है और जो बी है दोनों में था, दोनों कम्बाइंड वर्गाकार भी था और आयत भी था, इसमें भी दिया है, लिखते हैं लंबाई में, लंबाई में छायांकित भाग की लंबाई, लंबाई में यानी ऐसे में ऊपर में ऐसे में लंबाई 120 मीटर, यही लाइन हो जाएगी, चौड़ाई लिखेंगे 10 मीटर, क्षेत्रफल लिखेंगे, यही लाइन हो जाएगी, क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 200 गुणे 10, तो 210 में गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 1 2 3 2000, तो ये क्षेत्रफल आ गया। अब चौड़ाई में, ये लंबाई में हो गया ऐसे में, अब चौड़ाई में ऐसे में, चौड़ाई में छायांकित भाग की लंबाई बराबर, लंबाई 100 मीटर, यही लाइन हो जाएगी,
लिखेंगे चौड़ाई बराबर 10 मीटर, फिर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 100 × 10 1000 मीटर। अभी आंसर नहीं आना है, अभी तो और करना है, अभी ये तो कोई, इसको प्लस कर देंगे और जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर वर्गाकार चौराहे की लंबाई, लंबाई बराबर में 10 मीटर क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या होता है वर्गाकार का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल में भुजा गुणे भुजा, 10 × 10 100 मीटर, ये तो हो गया। अब इनको प्लस कर देंगे, हम लिख देंगे कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2000 प्लस 1000 माइनस 100, तो 3000 हो गया। 2000 1000 जोड़ दिया, 100 माइनस कर देंगे, 2900 मीटर इसको, यानी ये आ गया है आंसर, देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन करते हैं, एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है, इसके मध्य में 6 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर मार्ग पर पैसे लिखे हुए हैं 2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं लंबाई में की लंबाई, मतलब कि जो लंबाई है ऐसे में जो लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर, क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा ऐसे लंबाई गुणे चौड़ाई, 25 × 6 तो बराबर में आ जाएगा 150 मीटर। तो ये तो हमने निकाल लिया क्षेत्रफल, अब हमें निकालना है चौड़ाई द्वारा। ये तो हमने ऐसे लंबाई में निकाला था, अब चौड़ाई में, चौड़ाई में मार्ग की लंबाई बराबर 18 मीटर, यही लाइन लिखेंगे चौड़ाई बराबर में 6 मीटर, यही लाइन लिखेंगे क्षेत्रफल लिख देंगे बराबर 18 × 6, तो इस 18 का 6 में गुणा कर देंगे 108 मीटर, ये इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब करते हैं, ये इसका दोनों क्षेत्रफल आ गए, चौराहे की भुजा बराबर 6 मीटर दी है, क्षेत्रफल निकालेंगे इसी का बराबर 6 × 6, 6 × 6 = 36 मीटर। तो अब लिखेंगे कुल मार्ग का क्षेत्रफल, यानी ये हमने निकाला 150 प्लस 108 माइनस 36, तो जोड़ देते हैं 258 आ गया है ना, 258 माइनस
36 बराबर में 22 222 मीटर। अब हमें पैसे निकालना है, तो एक वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना है, 2.50 प्रति प्रति है ऐसी कुछ लिखा है, तो बस हमें इसका गुणा कर देना होगा। गुणा कर देते हैं, 222 गुणे 2.50, तो बराबर में आंसर आ जाएगा 555 रुपये। पैसे निकालने थे हमें, ये आ गया है आंसर। आठवां वाला करते हैं, निम्न नामांकित चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम बना हुआ है और ये छायांकित भाग है, ये जो रंगीन दिख रहा है आपको लाइन खींची है, ये छायांकित भाग है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखते हैं, बड़े आयत की लंबाई बराबर में 60 मीटर, यही लाइन हो जाएगी, लिखेंगे चौड़ाई बराबर में 35 मीटर, यही लाइन लिखेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा, गुणा कर देंगे 60 गुणे 35, तो आ जाएगा 2100 मीटर। बड़े का निकाल लिया, अब निकालते हैं यहाँ पर छोटे आयत की लंबाई बराबर। अब तो ये दिए नहीं है ना, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई नहीं दी है, तो लंबाई है 45 मीटर। चौड़ाई के लिए हम क्या कर देंगे, ये जो है ना बड़ा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी चौड़ाई बराबर इसकी लिख लेंगे 35 और माइनस 9 प्लस का 9, तो यहाँ पर 35 नौ नौ 18, तो 35 में से 18 माइनस कर देंगे 17 मीटर। तो ये तो हमारा निकल के आ गया, चौड़ाई निकल के आ गई, लंबाई तो दी हुई थी। अब इसका क्षेत्रफल लाइन हो जाएगी, यही क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 45 गुणे चौड़ाई 17, तो 45 में हम गुणा कर देंगे 17 का, 765 मीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो जो छायांकित भाग है उसका द्विघात क्षेत्रफल आ जाएगा 765, छोटे का है, तो 2100 माइनस 765 माइनस कर देंगे 1335 मीटर, ये आ गया है आंसर। 9th क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। इसमें हमें ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो खाली खाली दिख रहा है, 1 2 3 4, छायांकित भाग सहित, पहले दोनों को ले लेते हैं फिर माइनस कर देंगे, तो जो छायांकित भाग अलग हो जाएगा और जो बाकी का है जो हमें निकालना है वो अलग हो जाएगा, 300 मीटर। छायांकित भाग सहित आयत की लंबाई ये हो गई, यही लाइन लिखेंगे और चौड़ाई लिख देंगे यहाँ पर बराबर में, लंबाई दी है इतनी, अच्छा चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई हो जाएगा 100 मीटर, ये छायांकित भाग सहित आयत की चौड़ाई। इसी प्रकार से जो हमने निकाला था, दो प्लस में साइड में दिया है, एक ऐसे में और एक ऐसे में,
ऐसे वाला देख लीजिए, तो फिर हमने ऐसे वाले को देख लेंगे, छायांकित भाग सहित आयत की लंबाई बराबर। तो अब इसमें से हम 300 में से माइनस कर देंगे किसको, 40 को, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा 260 मीटर। अब ये लाइन लिख देंगे और चौड़ाई बराबर में 100 में से माइनस कर देंगे 40 को, 100 लगा था तो बराबर में आ जाएगा 60 मीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग सहित आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है। बराबर लंबाई 260, चौड़ाई 60, अब गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 15,600 मीटर, आंसर आ गया। दसवां क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है, ये दिया है, इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया, सड़क की चौड़ाई 5 मीटर है। अब इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देना है। ए है सड़क का क्षेत्रफल बताइए, बी है सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। लिखेंगे सबसे पहले मार्ग सहित पार्क की लंबाई बराबर में 100 मीटर, यही लाइन होगी, चौड़ाई लिख देंगे, बराबर 60 माइनस का 40, तो बराबर में आ जाएगा 20 मीटर। ऐसे हमने निकाल लिया इसका चौड़ाई। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो गुणा कर देंगे 100 × 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 मीटर। अब इसमें मार्ग सहित पार्क की लंबाई बराबर 100 − 5 + 5, ये तो हमने वो रास्ता था ना, हमने गैप था, तो 100 × 5 = 10, 90 मीटर। अब लिखेंगे मार्ग सहित पार्क की चौड़ाई बराबर 20 − 5, तो 15 मीटर, ये हमने निकाल लिया है पार्क की चौड़ाई, ये पार्क की लंबाई हो गई। अब मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल बराबर, गुणा कर देंगे, सूत्र तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 90 × 15 बराबर में 1350 मीटर। अब दिख रहा होगा आपको, है ना, तो
थोड़ा और कर देता हूँ नीचे, हाँ 1350 मीटर। तो प्रश्न फर्स्ट, मार्ग वर्ग मीटर खर्च। अब जो दूसरा है वो वाला कर रहे हैं हम, बी वाला है ना, ये वाला हो गया। बी वाले में खर्च बताना है 650। अच्छा 600, चलिए चलिए सही कर रहे हैं। मार्ग वर्ग मीटर का खर्च बराबर 4.50 प्रति वर्ग मीटर ये है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे 650 गुणे 4.50। आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि 650 कैसे आया, यहाँ पर हमने जो ये निकाला था ना 2000 मीटर, ये क्षेत्रफल निकाल लिया था किसका, मार्ग सहित पार्क की लंबाई का। तो यहाँ पर हमने ये जो निकाला 1350, यानी हमने 2000 में से माइनस कर दिया 1350 को, तो आ गया 600, 650 आ गया है ना। अब गुणा कर देंगे इसमें तो खर्चा आ जाएगा, तो ये हमारा बी वाला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, गुणा कर देंगे है ना, तो ये आ जाएगा 2929.25.00। तो केवल इसमें आ जाएगा 2925 है ना, यही आ जाएगा, रुपए लिख देंगे, आंसर आ गया, इतना खर्चा आएगा। ए वाला ये हो गया, बी वाला ये हो गया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 11वां क्वेश्चन करते हैं, अमरूद के एक बाग की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 1.20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 11वां, लंबाई में की लंबाई, मतलब कि ऐसे में 400 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर, क्षेत्रफल निकालना होगा, गुणा कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 400 गुणे 10, तो आ गया कितना 4000 मीटर, चौड़ाई में की लंबाई। अभी हमने ऐसे में जाना था, अब ऐसे में जानना है, ऐसे में बगीचे का, तो आ जाएगा 200 मीटर, ये आ गया। अब लिखेंगे चौड़ाई बराबर, लाइन यही हो जाएगी, आ जाएगा 10 मीटर। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो बराबर में 200 गुणे में 10, तो बराबर में आ जाएगा 2000 मीटर। तो ये हमने निकाल लिया है चौड़ाई में जो क्षेत्रफल है 2000 आ गया, और जो लंबाई में जो क्षेत्रफल है 4000 मीटर आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चौराहे की भुजा बराबर, चौराहे की जो भुजा है कितनी है 10 मीटर। अब चौराहे की जो चौराहा कैसा है, वर्गाकार है, तो यहाँ पर क्या सूत्र होता है, भुजा गुणे भुजा है ना, तो बराबर में 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 मीटर, ये आ गया है क्षेत्रफल है ना, चौराहे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 100 मीटर। अब इसमें हमें कुल लिखेंगे, कुल मार्ग का क्षेत्रफल बराबर में जो हमने क्या निकाला 4000 प्लस में जो हमने निकाला, हमने कुल मार्ग का क्षेत्रफल बराबर में जो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया था 4000 और 2000, माइनस कर देंगे इसको किसको, चौराहे की भुजा,
तो हमने ये माइनस कर देंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6000, 6000 माइनस का 100 तो बराबर में आ जाएगा 5900 मीटर लिख देंगे यहाँ पर, मीटर लिख दिया। अब जो हमें पैसा दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, एक वर्ग मीटर का खर्च बराबर में 1.20 प्रति वर्ग मीटर, तो बस केवल हमें इसका गुणा कर देना होगा। गुणा कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैसे में, तो आ जाएगा 70 80, 7080 रुपये, यही हमें निकालना था, आंसर आ गया। 12वां क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग सहित, पहले तो दोनों को ले लेंगे, छायांकित भाग और जो छायांकित नहीं है उसको भी, आयत की लंबाई बराबर में 75 मीटर, और यही लाइन लिखेंगे, चौड़ाई लिख देंगे बराबर में 75 माइनस का 10, तो हमारी जो चौड़ाई है निकल के आ जाएगी 65 मीटर, 75 में से 10 माइनस कर दिया, तो अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग सहित आयत की लंबाई, लंबाई बराबर, अच्छा लंबाई तो हमने निकाल ली, तो अभी ये हमने ऐसे में निकाला, तो अब ऐसे में निकालना है, तो यहाँ पर ये चौड़ाई होगा, चौड़ाई ठीक है, चौड़ाई हो गया, अरे यार मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही, लंबाई लंबाई निकाल ली, 75 में से 10 माइनस कर दिया तो ये टोटल हो जाएगा 65, 65 मीटर लंबाई हो गई ये, हाँ हाँ लंबाई हो गई, हाँ। तो देखिए इसको हमें लाइन लिखनी है छायांकित भाग सहित आयत की लंबाई बराबर, 75 थी टोटल, तो अब केवल हमें बची है 65 मीटर, छायांकित भाग है ना, 65 मीटर हो गया लंबाई। अब यहाँ पर हम छायांकित भाग सहित आयत की चौड़ाई टोटल है ना, यहाँ पर ये टोटल दी थी 75 माइनस कर दिया 10 को, अब यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 24 मीटर, तो अब इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, 24 माइनस का 10 तो बराबर में आ जाएगा 14 मीटर, तब ये ऐड ऐड करके लिख रहे थे ना यहाँ पर छायांकित भाग और जो छायांकित नहीं है उसका, अब केवल एक ही भाग आएगा। अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, अब इनका छायांकित भाग है तो एक अकेला आ गया है ना, तो अब हमें छायांकित भाग का निकाल लेना होगा क्षेत्रफल, लिख देंगे छायांकित भाग का, छायांकित भाग को छोड़कर, छायांकित भाग रहित आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 65 × 14 बराबर में 910 मीटर, ये आ गया है आंसर। तो ऐसे एक क्वेश्चन और कराया था मैंने, जिसमें मैंने ये लिख दिया था सहित, तो सहित की जगह आप रहित कर लेना, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ 12वां। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्श्विक मानचित्र में पार्क तथा शाख खुदन की नाप बराबर है, सड़कों की चौड़ाई 2 मीटर है, सड़कों को बिंदुदार दिखाया गया है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बी है इन्हें पक्का कराने का खर्च रुपये दिया है, 5.0 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। सड़क की चौड़ाई बराबर 2 मीटर, और सड़क
सहित शाक उधन उधान की लंबाई बराबर 8 + 2 यानी 10 मीटर हो गया। और फिर लिखेंगे सड़क सहित, यही लाइन लिख देते हैं है ना, चौड़ाई लिख देंगे यहाँ पर बराबर में 8 + 2, यहाँ पर 8 + 2 तो ये 10 हो गया। यहाँ पर लेकिन 14 होने था तो 12 + 2, हाँ तो 8 की जगह यहाँ पर 12 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 12 + 2 बराबर में 14 मीटर, 8 + 2 बराबर में 10 मीटर, ये चौड़ाई लंबाई हो गई 14 मीटर, चौड़ाई हो गई 10 मीटर। इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 14 × चौड़ाई 10, 140 मीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। सड़क रहित, रहित होगा रहित, सड़क रहित शाक उधान की लंबाई बराबर में 12 मीटर, 12 मीटर, और चौड़ाई बराबर में 8 मीटर, क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 12, 12 गुणे चौड़ाई है 8, तो 12 का 8 में गुणा कर देंगे 96 मीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो जो ए वाला है उसका तो आंसर ये हो गया, 140 में से माइनस कर देंगे 96 को, बराबर में आ जाएगा 44 मीटर, तो ए वाला तो ये हो गया। बी वाला, बी वाले में जो खर्चा है लिखेंगे, एक वर्ग मीटर का खर्च बराबर रेट पैसे लिखे हुए हैं 5 रुपये, 0.5 था ऐसी कुछ था, तो वो 5 ही कहलाएगा, तो 44 है ना जो हमने निकाल लिया ये, तो 44 गुणे कर देंगे 5, तो बराबर में इसका आ जाएगा 220 रुपये, आंसर आ गया, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 14वां क्वेश्चन है, 900 मीटर लंबे और 600 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 20 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं। रास्तों को छोड़कर शेष मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। लिखेंगे लंबे आयत की लंबाई, अगर ऐसे में देखें इसकी लंबाई है ना, लंबे में तो 900 मीटर, यही लाइन लिखेंगे। फिर रास्ते, रास्ते लिख देते हैं, रास्ते की चौड़ाई बराबर दी हुई है 20 मीटर, तो आयत का कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की कुल लंबाई, अभी इसके साथ ये भी ऐड हो गया ना रास्ता की चौड़ाई भी, तो 900 में से माइनस कर देंगे तो टोटल 900 में से 20 माइनस कर देंगे तो यही अब जो निकल के आएगी, आयत की कुल लंबाई लंबाई होगी, रास्ता को हटा देंगे यहाँ पर, रास्ते की जो चौड़ाई है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 900, 900 में से 20 गए, 880 मीटर,
अब निकालते हैं हम आयत की कुल चौड़ाई बराबर में 20 मीटर। 20 मीटर क्यों होगा? नहीं, 20 मीटर नहीं होगा, 20 मीटर तो रास्ते का चौड़ाई होगा, गलत हो गया। चौड़ाई ये है रास्ते, यहाँ पर लिखा था ना मैं रास्ते की चौड़ाई, ये है रास्ते की चौड़ाई 20 मीटर, और इसमें आयत ये तो निकल गया 880 ना, तो आयत की लंबाई बराबर, अब ऐसे में देखेंगे लंबाई 600 मीटर, 600 मीटर, तो अब यहाँ पर माइनस कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, लिख देते हैं आयत की कुल चौड़ाई। तो यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई, ठीक है ये लिखा, यहाँ पर चौड़ाई कर लीजिए क्योंकि हम चौड़ाई निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमने लंबाई निकाल ली 880 मीटर, यहाँ पर हम चौड़ाई निकाल रहे हैं, तो 600 माइनस का 20 है ना, तो 580 मीटर, ये हमने चौड़ाई निकाल ली, ये हमने चौड़ाई निकाल ली 580 मीटर रास्ते को हटाकर, ये हमने आयत की लंबाई निकाल ली रास्ते को हटाकर 880। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का, तो लंबाई हमने निकाला 880 गुणे 580 बराबर, गुणा कर देते हैं तो 5 10 और यहाँ पर ये 400, तो ये हमने निकाल लिया है आयत का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हेक्टेयर में निकालना, जैसे आपको मालूम है 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 1/10 लिख देंगे 10,000 हेक्टेयर होता है, ये मीटर में है आया, तो अब यही लिख देंगे, ये संख्या निकाली जो हमने, फाइव वन जीरो यहाँ पर 400 बटे में 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हेक्टेयर लिख देंगे यहाँ पर हेक्टेयर, तो आंसर इसमें आ जाएगा 51.04, यही आ गया है आंसर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई।